हम कहाँ बोल रहे हैं अपुआ? कछु ना बोलो ना सीखीजे। सुन हमारी बात। हाओ हाओ का कह रही बोलो। हम जे बोल रहे हैं कि अतबीरा के भैंसिया ना जहाने वाली है, अगर वो पढ़िया देती है तो बा को इतला के पाल ले। कम से कम 3-4 साल में हमारे बच्चन को भैंसिया को पी और दूध पीने को तो मिलेगो। अरे अम्मा तो इतनो इंतजार का करने, हम 2-4 दिन में बढ़िया भैंस ले आ रहे, पाल ले रहे। तू तो बस चिचिया तो रहे। हम सबसे बोल रहे हैं भैंस पाल ले, भैंस पाल ले, कम से कम हमारे बच्चन को पानी मिलो, दूध तो ना पीनो पड़ेगो। करेक्ट। तो एक काम कर रही फिर, हम अम्मा ऐसी भैंस ला रहे जो कम से कम 15-20 लीटर दूध दे, सारे बच्चा पी के दूध बाको घदरा जाएंगी। दादी, आज हमारी बच्ची तैयार होगी स्कूल जाने के लिए। सब अरे मम्मी टिफिन लेके आओ। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे माए अपनी कोई रोबोट ना है, ये तो बेचारी पहले ही सुबह से काम करती रहती है। आज तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है। तो फिर नफरत करू अपनी माँ से, प्यार ना करू? चलो ले आए गए टिफिन, चमची पकड़ो टिफिन अपनी। जा ले ले लो, तुम आओ। रणवीर जी, आयुष्मान तुम आओ, जो मलाइका तुम आओ, जो ऋतिक का, ऋतिक कहाँ है? ऋतिक तो आओ ही ना, वो तो बाथरूम में है। तू बहुत बढ़िया तारू, अभी तक बाथरूम में घुसु है। तुम जाओ बच्चन को स्कूल छोड़े आ जाओ। ओके कम ऑन किडो, डू नॉट बी लेट, कम फास्ट। रुको 5 मिनट रुक जाओ, हम ऋतिक को तैयार करके तुम्हें साथ भेज रहे हैं। ओह माय गॉडनेस, इट हैज बीन ऑलरेडी लेट, नॉट रेडी, पहले से ही लेट है। अभी रुको बस 5 मिनट। सुनो दरोगा जी, तुम जरा ऋतिक कपड़ा प्रेस करो, ले पकड़ो जल्दी से। हां हम बाकी ना दूध लेके आ रहे हैं, तुरंत ही हाल ही हो जाए। अरे यार तू रज्जू को नु काम है, अब कर ले कछु। घर में चैन है ना बाहर चैन है, सतर कहाँ मर जाए। अच्छा ज्यादा दांत ना निकार, नहीं तो मार मार के कौवा से बगला बना दे सारे। चोरू को गुलाब। खुश तो बहुत हो गए आज तुम, जो इंसान तुम्हारी सीढ़ियां तक नहीं चढ़ा आज वो तुम्हारे सामने हाथ फैला कर खड़ा है। मेरी दादी और मेरी माँ एक दूसरे की जानी दुश्मन है, आखिर कब तक वो एक दूसरे की खून की प्यासी रहेंगी? हे भगवान, हे भगवान, मेरी माँ और मेरी दादी को एक कर दे, एक कर दे, एक कर दे मेरी माँ को, एक कर दे मेरी माँ, एक कर दे आतू। Come, Kamlesh, let's go. Sorry, cat. First come, first serve basis. First, me dropping kiddos at the school, then me will pick up you. So going and dropping, now what are you doing here? Waiting for Chota Rocket, Ritik. ये देखो, आ गए महाराज. Ritik, why are you so late? Huh? नहा रहा था। क्यों? तू कोई लड़की से जो बाथरूम में इतना टाइम ले रहा था नहाने में? बिल्कुल अपनी अम्मा पे गा हुआ है, भाभी नहाने में 2-2 घंटे लगाती है। मम्मी कपड़े कहाँ है मेरे? हाँ तुम्हारे पापा प्रेस करके ला रहे हैं, जे ले दूध। अरे मम्मी मैंने आपको कितनी बार बोला कि कोई 9 सिक्के को मेरे कपड़े मत दिया करो यार, कभी जला देंगे। ए चकर सारू दांत निकाल रहो, तेरे कपड़ा तो आप बंबई की लॉन्ड्री में धुलेंगी ना। पापा ऐसे क्या स्लो मोशन में आ रहे हो, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ लंदन जाने ना है आज, बड़ो लाड आ रहा हूँ स्कूल पे सारे। हाँ मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं स्कूल में लेट नहीं हुआ। अच्छा टाइम पे पहुंचते है ना, बता रही जो का है फिर? क्या ये का है जो? ये सारे रामवती सिनेमा के टिकट हैं।
जो तेरी पैंट की जेब से निकली है वो तो प्रेस कर रहे थे हैं? बाप से क्या कह रहा हो तू हैं? याद कर सारे टेस्ट है पापा जल्दी जाने झुका चल रहा है सारे ड्रामो हैं? बोल डेट देख सारे डेट ढंग से देख आके फाड़ के बामे लिखी है 20 जनवरी 2020 सारो स्कूल छोड़ के फिल्म में देख तो है जी मेरी नहीं है मेरी ये टिकट जाता कान के नीचे रख के देंगे पत्ता की जैसे बिखर जाएगा बाप को बेवकूफ बना रहा हूँ शर्म भी ना आ रही सारे को अम्मा अरे पापा ये ना ये अपने दोस्त के साथ स्कूल के चपरासी को 10 रुपए दे के स्कूल की दीवार फांद के फिल्म देखने जाता है काय भाई ये पैसा तो को कौन दे रहा हो अरे जाके अम्मा देती है और कौन देते है अम्मा झूठ ना बोल अम्मा हम कहा झूठ बोल रहे हैं हमें लग रहा तुमने दिए हैं अरे हम कहा देंगे अम्मा दिमाग खराब है गोवा कि जाको फिल्म के लिए पैसे देंगे हाँ तो अगर किसी ने भी ना दिए हैं तो पक्का इसने चोरी क्यों और के हाँ हाँ अब हमें याद आ रहा हुआ है हमने परसों अपना बटुआ चेक करो तो बाँ में 500 रुपए कम हाथे हम यही सोच रहे 500 रुपए गए कित गए रामबती सिनेमा हॉल में गए अरे कोई मेरी बात सुनेगा इधर सुनाओ सर देखिए दिखाओ सर मैं फिल्म में एक्टिंग करना चाहता हूँ और एक्टिंग सीखने के लिए मैं फिल्में देखता हूँ तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें है प्रॉब्लम बोल तो को सारे फिल्म में एक्टर बनने हैं ना कोई शक तूने हमसे पूछी तक ना मैंने जरूरी नहीं समझा ओ भैया आओ आओ तू जो बता तूने जरूरी ना समझो जब बात हम पूछ सकते काहे नहीं समझो तेरे बाप है सारे क्योंकि आप मना कर देते इसलिए तो मना तो करेंगे ना सारे स्कूल छोड़ के पिक्चर हॉल जाएगो सिनेमा देखोगे कौन सो दुनिया को बाप है ऐसो जो अपने बेटा को हाँ कर देगो पढ़ने की उम्र है तेरी सही बता रहे ना तुको फिल्में देखना ही मेरी पढ़ाई है और रामवती सिनेमा मेरा स्कूल हरे हरे एक्टर बनेंगे तो छाती मार मार के पैसा कमा रहे पढ़ा रहे लिखा रहे सारे एक्टर बनेंगे इनके बाप दादाओं ने करिए कब सारे एक्टिंग कोई नहीं सारे एक्टर बनेंगे ओ अरे काहे रोए रे यार ओ मेरे लॉर्ड जॉर्ज ले 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 आ जा 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 छुपे जा छुपे जा कहाँ होएगा तुम्हें जब फूल के कुप्पा बने कहे बैठे हो पता है तो काई पूछ रही है तनु यार असल में रज्जू हमें जब लौंडा की बहुत चिंता हो रही तुम कछु फालतू में फिकर कर रहे हो अरे यार कछु फालतू की बात नहीं है तुम्हें पता हुए फिल्मी कीड़ा को भूत कितना बुरो होता है जौन आदमी को जो फिल्मी कीड़ा को भूत सवार हो जाते हुए ना जो कीड़ा काट लेते हुए ना बाकू जहर इतना खतरनाक हो तो है सारो जिंदगी भर ना उतर तो फिर तो भगवान ही मालिक है बस अरे तू हमेशा उल्टा ही सोचियो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा ऋतिक सुपरस्टार बन जाए कहे और जो भी तो हो सकता है वो मोहल्ला को रामकिशन को लौंडा बाकी हालत संजू जैसी हो जाए तुम कहाँ बक रहे हो तुम हाँ वो पगलाएगा वो आगरा में भर्ती है बे हाँ तो बाको भी तो फिल्मी कीड़ा ने काट लो तो बाकी बात क्या करो मुंबई भाग गो और सारू बाप की तिजोरी से पूरे 5 लाख रुपए लेके चंपत भाऊ है वो हमें पता है 5 लाख रुपए बंबई में कौन बेवकूफ बना के छीन लो वहां से तो भाई सदमा तो बैठ गो बाप की तिजोरी से 5 लाख रुपए लेके भागे थे और बेबी चोरी हो गए सदमा में आ गो समझ रही ना तुम माल करती हो यार रज्जो तुम्हें सारी स्टोरी पता है बागे बाद भी सारो खुद के लौंडा की कोनो चिंता ना हो रही अब जरूरी थोड़े कि सभी किस्मत एक जैसी हो हमारी तक की किस्मत अलग होए तो वो सब छोड़ो रज्जो बामे हमें नहीं पढ़ने ना ना हमें संजू से लेने दो ना रामकिशन हमें अपने लौंडा की फिक्र हो रही है हमें डालना ही नहीं है जो हमें फिल्मी लाइन पसंद ही नहीं है हमारे तक को बिल्कुल ना जान देंगे लाइन में हम बड़े
बड़े अरमान है हमारे, हम पढ़ाएं लिखाएं और सारों पुलिस में डालें, फिर बाकी के सुना कमिश्नर बने, डीआईजी बने, आईजी बने, तो फिर डालो ना, हमने कब मना करो है तुम्हें। नहीं वो ठीक है, लेकिन बाकी पहले एक काम करने पड़े, जो जो ऋतिक को जो फिल्मी कीड़ा ने काट लो है ना, बाकी भूत जो सवार है वो उतारने पड़ेगा पहले। तो निकालो ना। सब हम ही कर ले, तमाओ भी तो लड़का है, तो तुम्हारा फर्ज ना है कछु, मिलके करेंगे ना कोशिश, तुम कर लो, तुम कर लो, सब हम ही कर ले ससुर। नहीं हम का करे बताओ, तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी अम्मा के, तुम्हारे बच्चन करे, बस हम ही करे, तुम कछु ना करियो का। याकू मतलब हम कछु ना करते, कछु ना कर दो तुम, बस ड्यूटी से आ तो जा तो बेनी के, ना तो खूब टिका तो। रोज थोड़ी चले जाते हैं बेनी के पास, लगभग रोज ही होता है। ये नहीं कि ड्यूटी से आए न घर में बैठे बच्चन के साथ समय बिताए, हाँ ये सब करना चाहिए तुम्हें। तो तुमने भी तो बड़े स्टाइलिश बच्चा पैदा कर दे, बिचारे बाप के पास बैठते ही ना है, तो हम क्या करें। तो कैसे बैठे, तुम्हारे मुंह शराब की बदबू आता है। परसों ऋतिक हमसे बोल लो, बतो क्या कह रहा हूँ तू, मतलब जो ही बोल रहा हो तो कि मम्मी शराब पीने में का मजा आता है का, हमने फौरन कहीं नहीं आते बेटा, तो फिर पापा का ही पिए थे मम्मी, का जवाब दे जाको हम। नहीं तुम बोलो का जवाब दे, ऊ ना करो तुम। ठीक है समझ रहे, हमारी गलती है, लेकिन हम कंट्रोल करेंगे, समझ रहे, कम कर। ठीक को कछुना है, तुम पहले जे अपना नशा कीड़ा उतार लो, फिर बाके बाद हमारे बेटा की ना एक्टिंग कीड़ा उतारी हो तुम। अरे हमने लाख समझाई बहू को कि लौंडे को सर न चढ़ा, बिगड़ जाएगा, अगर हमारी सुनता ही कौन है, अब भुगतो। बनेगो फिल्म स्टार। अरे खट्टो फिल्म स्टार बनना इतना आसान है क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है अमित जी ऐसे ही फिल्म स्टार बन गए। हाँ हमें पता है, माना कि हम कानपुर से कभी बाहर ना गए, पर हमें पता है कि फिल्म स्टार बनना आसान काम ना है। हाँ। अरे अच्छे अच्छों के नींबू नहीं चूर जाते, गुर्दे लाल है जाते। लेकिन जा ऋतिक को कौन समझाए। अरे तुम समझाओ ना कट्टो। हम समझाए, अरे उस लौंडे ने आज तक हमारी एक बात भी मानी है, बाकी माँ बाकी कान भरती है हमारे खिलाफ, उसमें भी तुम्हारी गलती है। बाँ में हमारी का गलती है बताओ। तुम्हारा ध्यान है ना चमती पे कुछ ज्यादा ही रहता है, ऋतिक का तो पास में भी नहीं बिठाती हो तुम। ये बात बहुत गलत है तुम्हारी। अच्छा माना कि चमची हमारी लाडली है, पर जाको ये मतलब ना है कि हम और बच्चन को प्यार ना करते हैंगे। प्यार करती हो तो उसे समझाओ, फिल्म में किले की साइड इफेक्ट बताओ उसे। अरे अभी तो बताए कि बालक हमारी ना सुनेगा। उसकी अम्मा को समझाओ कि वो ऋतिक को समझाए। बाकी माँ और सुनने वाली है, ठीक है कोशिश करेंगे। देखो मुझे चिंता इसलिए हो रही है कि एक बार इस फिल्मी कीड़े ने मुझे भी काटा था। और आप बता रहे हो हमें? अरे कभी मौका ही नहीं मिला, आज सही मौका है ये कहानी सुनाने का। सुनाओ। मैं जब 16-17 साल का था ना, तो राजेश खन्ना का बहुत जबरदस्त फैन था। हम भी। मुझ पर भी भूत सवार हो गया था कि मैं भी हीरो बनूंगा। तो का बने हीरो? फिर क्या, एक दिन मैं घर से 3,000 रुपया लेके भाग गया। 3,000? आजकल के तो 3,00,000 होंगे। सही कह रही हो कट्टो, मैं सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ी और मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। स्टेशन से बाहर निकल कर एक भाई को पूछा, ए भाई साहब यहाँ शूटिंग कहाँ होती है। वो कम्बक मुझे एक आदमी के पास लेके गया जो ऐसी वैसी फिल्में बनाता था, कोई शांति शाह नाम का आदमी था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। पहले उसने मुझसे 2,500 ले लिए, फिर बोला सुहाग रात का सीन है तैयार हो जाओ। तुमने क्यों सुहाग रात को सीन? हाँ किया ना। अब हमें समझ आओ ऋतिक की कोई गलती ना हैगी, जब दादा ऐसो है तो पोता तो होगा ही। बताओ ये ठरकी बुड्ढा अब बता रहा है टैं होने के बाद कि फिल्मी हीरो बनने चला था। अच्छा कमलेश मी यू नो ओनली वी कैन सोशल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स एंड दिस बायोलॉजी। अब इनमें से बचा क्या? हिंदी। कमलेश माय हिंदी इज वेरी मच परफेक्ट यू नो। ओहो हो हो कैट, इट मीनिंग यू हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल तो फेल यार। नो कमलेश, बट
why am I failing? Because if you are there with me, then me not failing, na? And you're to making all my notes, so how come me failing? No, no, Cat. It is no time and exam already on my head. And how possible me make 6 subject note or wo bhi for 2 peoples, yaar? But then Kamlesh, what me doing? Don't worry, ab ki baar nakal se pass karwa denge. But Kamlesh, what if somebody catching us? Arey no, no, somebody, not a single body catching us. There is so many jugaad of my with the college staff. They providing you parchi, nakal ki, chitthe, sab kuch. Wow, Kamlesh, meaning they helping me? Arey, Cat, why not? Me will do hot pocket, that people's. Meaning? Main unke jeb garam kar dunga. Oh my God, Kamlesh, you're so intelligent. Coming. Ah, Cat. Hey. यो क्या बदतमीजी चल रही है? What बदतमीजी मलाइका? We are only sitting and taking notes. ऐसे गार्डन में गले लग के पढ़ाई की जा रही है? No, no, कसम से really we are not doing गले मिलिंग and all. We are such में discussing about the notes, swear of my मम्मी. ऐसा है बेटे कि ऐसे गार्डन में पढ़ाई तो होती ना है, सिर्फ अश्लील हरकतें होती से जो कर रहे थे अभी दोनों. मलाइका, what अश्लील हरकतें we doing? We only starting ना. एक लड़का और लड़की गार्डन में क्यों आवे से बताओ. जाओ जरा वो झाड़ी के पीछे देख करो, पता करके आ जाओ. सुधर जाओ, ऐसे गार्डन में मिलना बंद करो, वरना अपनी तो नाक कटवाओगे, साथ में हमारी भी ना बचेगी. सरजी, क्या हुआ सरजी? बड़ी टेंशन में लग रहे हैं. असल में मकवाना का बताएं, जौन आदमी के नौनो ठैया अतरंगी बच्चा होते हैं ना, वो आदमी हमेशा टेंशन में रहते हो. सर सही कह रहे हैं सर जी. मेरा एक ही लौंडा देख लो, उसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ. आपका तो नौनो है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नौ को मतलब सब सब भाई बड़ो लड़का हमारा बहुत समझदार है, लेकिन जो छोटो बित्ता भर को लौंडा है ना माओ, असल में भाई ने बादल फाड़ रखे हैं. किसने बादल फाड़ दिए सर जी? कौन सा कांड कर दिया? नहीं ना, कांड कछु ना भाओ. वो है ना माओ, बिलांग भर को लौंडा नहीं है रहते, तुम जानते तो हो यार. हाँ, अच्छी तरह से, बहुत शरारती बच्चा सर. शरारती तो ठीक है, सब ही होते हैं. असल में बल लौंडा के सर पे ना एक्टिंग को भूत सवार होगा हुआ है. मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया. पकड़ो यार. अच्छा, मैं लूट गया. बैठो बैठो. लूट गया. उधर उधर इधर. कहोगे साहब, अचानक से कहोगे? सजी क्या हो गया? लूट गया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. वाह 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 सर वाह. अबे क्या वाह वाह कर रहे हो? क्या शेरो शायरी का प्रोग्राम चल रहा है क्या? भाभी को कहूं टिंचू टिंचू टाए टाए चल रहा होगा, मतलब बेबफाई कर दी उनने. अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है. आपने जोन तरीके से शेर बोलो और बिल्कुल टूटे दिल की तरह, मतलब आप फीलिंग जैसी लेके आए, हमें लगो ऐसे ही कछुए. अरे मेरा बेटा भाग गया है और साथ में 5 लाख रुपए भी ले गया है. आपको लड़का भाग गया है? कहाँ भाग गया मतलब? कहाँ? मुंबई 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 भागा है. एक्टिंग एक्टिंग का भूत सवार था उसपे. एक्टिंग करनी है. एक्टिंग एक्टिंग का भूत सवार है. अरे दादा, अरे साहब, यही राम कहानी तो हमारे घर में चल रही है. ये लेटर देखो, छोड़ के पढ़ो तो. भी पढ़ता हूँ. मेरे प्यारे रेशु, काम गलत गलत पढ़ते हो जी. आपने जो दिया मैं वही पढ़ रहा था. नहीं सर,
मेरे एक नंबर के कंजूस और घटिया बाप रेशम पाल। लौंडा काफी इज्जत करता है सर जी आपकी। तुम्हारे अंदर एक कलाकार को समझने की तमीज ही नहीं है, ट्रेन में पैदा हुए इंसान। नहीं, ट्रेन में पैदा भाई इंसान को का मतलब? सर जी हमेशा हिलते रहते हैं। आगे बढ़ो, आगे। तुम चाहते हो ना कि मैं भी पुलिस में भर्ती हो जाऊं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये पुलिस की नौकरी तुम्हें ही मुबारक हो। मैं जा रहा हूं मुंबई, और हाँ, मैंने तुम्हारी तिजोरी में से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, वो ले जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये खबर सुनकर तुम चिचियाओगे, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तुम टैं बोल जाओगे तो ये सब मेरा ही हो जाएगा। एक गटिया बाप का बदनसीब बेटा नेत्रपाल सिंह। जी लौंडा आपके हाथ से निकल गया। अरे ऐसे कैसे हाथ से जाएगा सर। जैन, 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 मेरा लड़के का कुछ पता चला? सर आपके लौंडे को हमने रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। वो कूले की वर्दी पहनकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठा था, हमने उसे धर दबोचा। शाबाश मनोहर, शाबाश।